पाइपलाइन फट जाने से पानी की बर्बादी के साथ एफसीआई गोदाम में रखे चावल भी हो रहा है नष्ट। आपको बता दें, निरसा के केएसजीएम कॉलेज के समीप डीवीसी का पाइप फट जाने के कारण प्रतिदिन लाखों गैलन पानी की बर्बादी हो रही है। पानी के बहने से आसपास के गांव के सभी घर जलमग्न हो गया है, जिससे कच्चे घर के गिर जाने की संभावनाएं बढ़ रही है। अगर समय रहते अधिकारी इस पाइपलाइन को नहीं बनाते हैं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। बता दें कि प्रतिदिन इसी रास्ते से ईसीएल कर्मी आवाजाही करते हैं। ये जो पाइपलाइन फटा, ये कितने दिन से फटा हुआ है और पानी निकल रहा है? ये कल 4 बजे शाम से हुआ है। और जो ये पाइपलाइन फटा, इसमें क्या घर घर उनका क्षति हो रहा है अगल बगल के? क्षति हो रहा है, सामने देख रहे हैं आप। अभी तक कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है? कोई नहीं।